देश में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। बात हिंदुस्तान की हो रही है। संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में कोरोना के कैसे हालात बने हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू है तो कहीं मास्क न पहनने पर चालान काटे जा रहे हैं। देश में कोरोना का कमबैक हो गया। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। देशभर में अलग अलग जगहों पर कोरोना को रोकने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। पंजाब में नाइट कर्फ्यू को 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी के नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू के नियमों में सख्ती बढ़ा दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में लोकल बस सर्विस पर भी रोक लगा दी गई है। इधर बेंगलुरु में मणिपाल इंस्टीट्यूट के 59 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद इसे भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,871 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 172 लोगों की मौत हो गई। 2 मार्च को कोरोना के 12,286 नए मामले आए थे और अब 35,000 से ज्यादा नए मामले, यानी कि 16 दिनों में कोरोना के नए केस करीब 3 गुना बढ़ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की। तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 607 नए केस सामने आए, जो कि 6 जनवरी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, हमने पूरे आदेश दिए हैं कि स्ट्रिक्टनेस पूरी की जाए, लोगों को मास्क लगाने के लिए उसके लिए काफी प्रेरित भी कर रहे हैं और सख्ती भी कर रहे हैं। साथ ही कई जगहों पर मास्क न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि देश में अभी यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के 400 कोरोना मामले हैं और विदेशी स्ट्रेन के कई मामले दिल्ली के LNJP अस्पताल में हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा दिल्ली में और भी ज्यादा है। दिल्ली के बाद अगर मुंबई के हालात देखें तो मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,877 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में ही पिछले 24 घंटे में 25,833 नए मामले सामने आए और 58 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। रात 1 बजे BMC ने मुंबई के एक रेस्टोरेंट और बार पर छापे मारे, जहां पर बिना मास्क के रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे 245 लोगों का चालान काट कर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। लेकिन मुंबई के कुछ लोग हैं जो अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि सॉरी, हम पहनना भूल गए, लेकिन कई लोग जबरदस्ती ये भी कहते हैं कि हम मास्क नहीं पहन सकते, उसके लिए तरह तरह के बहाने हैं। पुणे से आए हैं, अभी हमको मालूम है ऑलरेडी लॉकडाउन है, तो वहाँ भी तो मास्क पहनना जरूरी है। पुणे से भी आते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी है यहाँ, जरूरी नहीं है। अरे खाली बात कर रहे थे सर, ऐसा दम घुट रहा था, खाली बात कर रहे थे। नीचे तो सर जी आपको भीड़ में बैठे हो, भीड़ की तादाद में बैठे हो। देखें तो लगभग 20 ऐसे दल हैं जो इस तरह से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर फाइन किया जा रहा है। पंजाब में भी पिछले 24 घंटे में 2,387 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब के जिन शहरों में 100 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, वहां रात के 11 बजे के बजाय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब के लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। देश भर में सख्ती बढ़ गई है। कई राज्य बढ़ते मामलों के साथ साथ कोविड नियमों में भी बदलाव कर रहे हैं, लेकिन मास्क न लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर जनता एक बार फिर से देश में लॉकडाउन को बुलावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Good evening and welcome to Zee News Bulletin. Presenting Zee News App, available on Google Play and App Store. Download it now.